किंतु ये भूत है कि भागता ही नहीं। लगता है ये मेरे लखना का जाल लेकर ही रहेगा। ए जी, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अरे हम कहाँ करें सामली? वैद्यराज चक्रपाणि मिश्र को इतना निहोरा मिन्नत करके आंगन में बुलाए थे। तुम्हारे गले का असली भी तो बंधक लगवा दिए सामली, और अब कहते हैं कि इसे मलेरिया है कि डिलेरिया कुछ पता ही नहीं। बड़का अस्पताल के बड़का डॉक्टर को दिखाना होगा सामली। अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा सामली, क्या करे। अरे करोगे क्या?
सामली, ऐसा मत कहो सामली, मैं इसे अभी ले जाऊंगा, इसे ठीक करा कर लाऊंगा सामली, बड़का अस्पताल ले जाऊंगा। आजा बेटा, आजा, आ बेटा, हिम्मत रख बेटा, आजा, आजा बेटा, आजा, आजा बेटा, आजा बेटा। आ,
सेठों सुई पड़ेगा तब जाके ठीक होगा सावली, सुई का दाग होगा 35 रुपए और घर में तो 8 आने भी नहीं है सावली। तुम्हारे गले का हंसुली था वो भी बंधक लगवा दिए है, अब हम क्या करे सावली, कुछ समझ नहीं आ रहा सावली, अब हम क्या करे सावली, कुछ समझ नहीं आ रहा। ₹35 सावली ₹35 अब तो हंसुली के अलावा हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं था सावली, बहुत बड़ा सा रेहू आदमी से भी 4 गुना बड़ा रेहू मिल जाए और उसी की कीमत पुपरी हाट पर 50 रुपए हो तो एक मछली भी कहीं 50 रुपए में बिकता है का, वो भी एक मछली। सूरज की पहली किरणों ने महाराजी पोखर को लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग से रंग दिया।
हे सूरज देवता, इस बार कुछ ना कुछ जरूर देना। इस बार तो कबई इचना धुन्ना रेहू मांगुर और बुआरी भी है। जय कमला भैया। ये कुछ खास बात भी आ गया। ये छोटी इचना और घोंगा, छोटी इचना और घोंगा सामली को पकाने दे देंगे और बाकी हाट पर ले जाकर बेच देंगे। 8-10 रुपए का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। जय कमला भैया। सुंदर है। प्रणाम मालिक। अरे प्रणाम प्रणाम, कहां से आ रहा है? लगता है माछ मार के आ रहा है। दिखाओ दिखाओ माछ, दिखाओ। बुआरी है जी मालिक। तो कबाई लगता है। अरे अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या बताए, पूरा गांव को नौता दे दिए हैं। सांझ को सांझ में जो घर पे है माछ और मछली का मांस का भोज है। अब क्या कहे, महंता को 15 रुपए का बैना भी दिए थे, लेकिन महंता आज साला के दारू पी के अंगना में लोड़ा हुआ है। तुम एक काम करो, मांस लेके मेरे घर पे दो। क्या सोच रहा है सुंदर? मालिक, मछली तो मैं आपको सारा दे दूं मालिक, लेकिन मेरा बेटा बीमार है मालिक, उसे 6 टो सुई पड़ेगा मालिक और सुई का दाम होगा 35 रुपए। मालिक आप मुझे मछली का दाम दे दीजिए, मैं सारा मछली आपके आंगन में पहुंचा दूंगा मालिक। क्या बात करता है तुम सुंदर, आज तक पूरे गांव वालों को पता है, किसी का पूछो कि 1 रुपया भी गोराय चौधरी रखा हो। तुम ऐसा करो कि देखो जान में तो पैसा लेके चलते नहीं है, माछ उठाओ घर पे लेके चलो, वही माम तुमको पैसा दे देंगे। क्या ठीक है? चलो चलो अब जाकर सोच विचार मत करो, उठाओ और चलो। अरे बोले ना घर पे चलते ही पहले पैसा दे देंगे फिर तुम माछ रखना, अब उठाओ देर मत करो। जी मालिक। ना गांव के लोग आ जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। चलो 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 जल्दी। हां जी मालिक। का हुआ है तुम्हारा बेटा को? मालिक वो कहते हैं मलेरिया है कि डिलेरिया कुछ समझ नहीं आ रहा मालिक। डॉक्टर से दिखाओ ना। बड़का अस्पताल दिखाए थे मालिक। हां बाबू पानी, बाबू पानी, लगता है अब नहीं बचूंगा। बाबू पानी, सावली, बाबू, सावली, क्या हुआ? सावली पानी दोना लगता को। सुंदर भैया, सुंदर भैया, सुंदर भैया, अरे लखना बीमार है और आपने मुझे बताया नहीं। सुंदर भैया आपकी, सुंदर भैया, अरे बताना चाहिए था ना, है? ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम गांव समाज के ही नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा भैया? वो बात नहीं है कमली, लखना को मलेरिया बुखार है, भक्ता को दिखाए थे, वैद्य राज को भी दिखाए थे, बड़का अस्पताल लेकर गए थे, इसे 6 टो सुई पड़ेगा कमली और सुई का दाम होगा 35 रुपए।
कमली, हमारे हाथ है खाली, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कमली, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ, जाल लेकर सुबह से गए थे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मछली देखो तो नहीं दिख रहा है, क्या किए, बेच लिए क्या, कितना पैसा मिला? अरे पकड़े थे मछली बहुत सारा, बेचने के लिए जा रहे थे हाट पर, रस्ते में गोराई चौधरी मिल गए, उनके यहाँ मांस मछली का भोज है, सारा मछली उनके आंगन पहुंचा दो, वहां पैसे दे देंगे। क्या बताए सामली, हम सारा की सारा आपका मेहनत, सारा मछली उनके आंगन पहुंचा दिए, और देखते हैं कि गोराई चौधरी है ही नहीं, उनके बेटे से पूछे तो वो बोला कि वो गए हैं गुआर टोली। सावली, हम उन्हें गुआर टोली और गांव में जाने कहां कहां नहीं खोजे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला सावली, कहीं पता नहीं चला सामली, कहीं पता नहीं चला। ए भगवान, अब हमारा बेटा नहीं बचेगा। अरे बाप रे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। सुंदर भैया, मेरा घर वाला तो दो बोतल दारू पीकर आंगन में सोया पड़ा है, का बताएं आपको, कल ही गौराई चौधरी मछली का बयाना 15 रुपए महंथा को देकर आई, मगर ये सुबह से उस पैसे से दाल पीकर बेसन क्यों पड़ा है, आंगन में लाश की तरह लेट गया, मगर आप चिंता नहीं कीजिए, मैं अभी उसे जगाकर सब हाल सुना, कहीं ना कहीं से रुपए का इंतजाम जरूर कर लेगा, मुझे ऊपर विश्वास है, आप चिंता नहीं कीजिए, इलाज नहीं करवाएंगे। अरे भैया, अरे लखना को ठीक होना होगा तो वैसे ही हो जाएगा कमली, और फिर तेरा घरवाला भी तो नहीं है कमली, बुरे वक्त में यही तो तेरे काम आएगी। अरे तेज ऐसा रही तो ऐसी कितनी हसली फिर मनवा लूंगी, लेकिन अभी अगर लखना को सुई ना पड़ी ना तो जी तो हाथ से निकल जाएगा भैया, और ऐसे समय में भी कोई गहरे गुनिया ना वो नहीं करता, लेकिन कमली, अरे भौजी, इस देह पर ना गांव के बहुत बाबू लोग मरते हैं, और जल्दी कोई बाबू हमको फिर हसली दे देगा, तू चिंता ना कर। लो भैया देखा कर। ये सुंदर, अरे हमको पता नहीं लखना बीमार है, हाँ ये ले 15 रुपया गोराई चौधरी हमको दिया था, ये रख तुमरे पैसा है। कमली ये हसुली दे गई है। अरे हाँ तो ले चलो, बेचना पड़ेगा कुछ 80 किलो क्या, अच्छा जा, ये बेचा लगता है, अरे बाप रे बाप, मेरे को तो बहुत तेज बुखार है, ए भौजा चिंता ना करो ठीक हो जाए, ले क्या लेकर ले क्या ले क्या ले क्या ये बेटा, ये बेटा रुको, आजा यही यही आजा 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 बेटा, ठीक हो जाए, भौजा चिंता ना करो, उठा दुख में अकेला सुख में झमेला, सुख में झमेला
कैसा बना समाज मलहवा, कैसा बना समाज आएगा माला हम तो फेंक बाहर जलावा, आएगा माला हम तो फेंक बाहर जलावा, फेंक बाहर जलावा तो फेंक बाहर जलावा, मेरा माला हम फेंक बाहर, मेरा माला हम तो माला हिन राजा जल के मचलिया, 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 हम तो माला हिन राजा।